हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। पूर्व निदान तकनीकी के तहत कार्यवाही को अंजाम देना प्रशासन के गले में फांस बन गया। शनिवार दोपहर 11 बजे से शुरू हुई प्रशासन की कार्यवाही रात 9 बजे तक महिला डॉक्टर की थाने से रिहाई के बाद खत्म हो सकी। इस बीच दिन भर शहर के डॉक्टरों का विश्वविद्यालय थाने पर जमावड़ा बना रहा। उन्होंने प्रशासन की इस कार्यवाही को मनमाना करार दिया। दरअसल जय रोग अस्पताल समूह की एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा गर्ग निजी क्लिनिक भी चलाती है। महिला एसडीएम दीपशिका भगत उनके क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंची और 2 महीने की प्रेगनेंसी बताकर गर्भपात के लिए बात कर ली। हालांकि महिला एसडीएम ने अपनी ओर से कोई स्टिंग की सीडी अथवा यह दावा नहीं किया कि प्रतिभा गर्ग ने ऑपरेशन की हामी भर ली थी, लेकिन उन्होंने क्लिनिक से ही पुलिस को फोन कर उसे सील कर दिया और महिला डॉक्टर को उठाकर विश्वविद्यालय थाने के कमरे में बैठा दिया। इतना ही नहीं, महिला डॉक्टर के पति का मोबाइल भी जब्त कर लिया। महिला डॉक्टर का आरोप है कि प्रशासन की अधिकारी ने उनका मानसिक शोषण किया, यहां तक कि उनके बच्चों और पति से भी बात नहीं करने दी गई। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर को प्रशासन द्वारा अवैध निरोध में रखे जाने को लेकर शहर भर के डॉक्टर, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही शामिल थे, और उनके संगठन थाने पर जमा हो गए और पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ हंगामा करने लगे। खास बात यह कि प्रशासन 9 घंटे तक महिला डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सका। डॉक्टरों के बढ़ते दबाव और हड़ताल की चेतावनी के बाद आखिरकार प्रशासन ने महिला डॉक्टर को रिहा कर दिया और जांच में सहयोग करने के लिए उन्हें 1 जुलाई को फिर तलब किया है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच के बिंदुओं के आधार पर अग्रिम कार्यवाही होगी। वहीं महिला डॉक्टर ने प्रशासन की इस कार्यवाही के खिलाफ अपने संगठन द्वारा लिए गए निर्णय में सहयोग देने का भरोसा दिया है। ये मेरे घर में झूठा मरीज बनकर आए थे और मेरे को फंसाने की पूरी कोशिश करी गई, मुझे फंसाकर फिर अल्टीमेटली पूरी पुलिस को टीम बुलाकर मेरे मरीज, मेरे पति, मेरे बच्चों के साथ पूरा बुरा बर्ताव करके हमको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया गया। जी सर, मुझे तो नहीं लगता मुझे अभी हाँ अग्रिम जांच के लिए, अग्रिम जांच के लिए 1 तारीख को बुलाया गया है। अब आप अपनी तरीके से क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? जो भी आई एम ए, हमारी बहुत बड़ी एसोसिएशन है मेडिकल डॉक्टर्स की, और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनके जितने पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ, और जो हमारे मेडिकल टीचर, चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हूँ, तो जो हमारे मेडिकल टीचर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, वो जो भी मुझे सलाह देंगे उनके नियम के अनुसार उनकी उनसे सलाह करके, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि गर्भपात रोकने या अवैध गर्भपात करने के बारे में उनकी जांच है, जो वो जांच कर रही हैं इसके आधार पे कार्रवाई हो रही है। या अब जो उनकी जांच में क्या पाया वो जांच 10 मिनट में आएगी, 10-15 मिनट में आएगी, उसके अनुसार आगे का कार्रवाई होगी। अब ये आगे आपको बाद में बताएंगे। देखिए साहब, संदेह है, संदेह के लिए हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, संदेह हो सकता है, पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से चोर चौके की तरह नहीं करना चाहिए। कमरे में बंद कर दिया आपने, हम डॉक्टर्स मिलने के लिए उस बेचारी बच्ची से तैयार हैं, ये उसके ऊपर क्या बीत रही है आप ही समझ सकते हैं। डॉक्टर प्रतिभा गर्ग गायनी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आइडियली जब भी कभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से पूछताछ की जाती है उसके लिए पहले परमिशन डॉक्टर भरत जैन से, डीन से ली जाती है। इस केस में उसका बिल्कुल पालन नहीं किया गया। आप सब लोग कानून अपने हाथ में ही रख रहे हो, हमारे लिए कोई छोड़ ही नहीं रहे हो। जब हमारी स्थिति है तो हम पब्लिक का क्या होता होगा भाई, हम समझ सकते हैं। देखिए इसी, ये जो उनका जो डेलीगेशन गया था वहाँ डीएम साहब के पास में, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग ने उसी चीज़ को देखा है। अब वो जो जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपने रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट देने के बाद फिर देखा जाएगा उसमें क्या अपराध बनता है क्या नहीं बनता है। अभी तो हाल फिलहाल ये है कि अभी जाँच उसके द्वारा की जा रही थी और जाँच में सहयोग के लिए वो जो डॉक्टर थी उनके द्वारा पूरी मदद की गई, अपने सहयोग किया गया, और सहयोग करने के बाद जब भी इनकी आवश्यकता होगी फिर जाँच उनको फिर पुनः बुलाया जाएगा, उसमें भी वो मान गई।
उसमें देखिए सबसे पहले जांच करता अधिकारी ने खुद ही अपने जांच की है स्वतः वहाँ पे जाकर, उनके द्वारा पूरे तथ्य अपने प्रतिवेदन में लाएंगे तभी पता चल पाएगा किस एक्ट के तहत क्या होगा या किस तरीके की क्यों भी होना है। तो ये फिर हम उसका जो प्रतिवेदन आ जाएगा उसके पश्चात उसमें लेना होगा। किस तरीके की सूचना किस तरीके से मिलेगी कि क्या किस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं हॉस्पिटल में, क्या उनके क्लिनिक पे चल रहा है, क्या यह भी रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद ही मैं बताऊंगा। किन दालों में कार्रवाई की जा रही है अभी? अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आ पाएगी धारा कैसे निर्धारित होगी? डॉक्टर को छोड़ा नहीं, अभी हिरासत में लिया गया क्या, उनको छोड़ा जाएगा? किसका हिरासत में कब लिया? हिरासत में लिया नहीं है, वो तो जांच के लिए इनको बैठाया गया था, कथन बयान लिया गया। कहना है कि अगर अगर हमारे जो साथी डॉक्टर है उनको नहीं छोड़ा गया तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे। तो इनको जिला प्रशासन क्या ना गिरफ्तार कभी किया ही नहीं गया था, वो तो अगर वो सरकारी डॉक्टर भी हैं, वो जेएस में पदस्थ भी हैं, जेएस में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, नहीं नहीं थाने में किसी को नहीं बैठाया गया, वो तो जांच अगर जांच करता अधिकारी यहाँ जांच करी तो जांच में तो सबको सहयोग करना पड़ेगा, अगर पूछताछ तो पूछताछ में बहुत सारे तथ्य थे इसलिए उनको रोका गया था, ऐसे कोई बात नहीं है उसमें। तथ्य मैं कैसे बता सकता हूँ, जांच करता अधिकारी मेरे को बताएगा, मैं डीएम को बताऊंगा, उसके बाद ही तथ्य सामने आएंगे। INC 24 न्यूज के लिए ग्वालियर से निकेश शर्मा की रिपोर्ट।